कि बिकरू कांड की रिपोर्ट शासन को मिल गई है और ये निकला कि हमारी व्यवस्था में भी कई कमजोरियां हैं और साथ ही कर्मचारियों अधिकारियों में भी कई कमजोरियां हैं। सबसे खास बात जो आपका सवाल है कि जनता थाने जाने में या पुलिस से क्यों डरती है, दो बात है। नंबर एक, संभावित पुलिस का दुर्व्यवहार। नंबर दो, रिश्वत लेने की प्रवृत्ति। ये दो कारण हैं जिसके कारण लोगों को न्याय नहीं मिलता। इस बारे में मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार रहेगा तब तक पब्लिक को पूरा न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए जरूरी है, आज तक क्या हमने कोई पुलिसिंग द पुलिस, जैसे फौज के लिए होती है मिलिट्री पुलिस, आपने सुना होगा कि मिलिट्री पर पुलिसिंग करने के लिए मिलिट्री पुलिस जी। क्या पुलिस पर नियंत्रण करने के लिए कोई संस्था हमने बनाई? नहीं बनाई। पुलिस सुधार आयोग ने कहा था कि हर जिले में एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाइए कि पुलिस कोई गलती करे, गड़बड़ी करे तो उसमें सुनवाई हो जाए, लेकिन अभी हम लोगों ने कोई पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जिला लेवल पर नहीं बनाई। नंबर दो, भ्रष्टाचार रोकने की बात पूरी तरह से शासन ने भी की, ऊपर लेवल पर बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी ग्रास रूट लेवल पर क्यों नहीं सुधार हो रहा? क्योंकि अभी तक जिला लेवल पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम लोग अपने सभी दफ्तर तक नहीं खोल पाए। अभी हम विजिलेंस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, उनकी शाखाएं भी सभी जिलों में नहीं खोल पाए। केवल कमिश्नरी लेवल पर 12-14 जिलों में हम लोगों के दफ्तर खुले हुए हैं। तो भ्रष्टाचार रोकने कौन आएगा? तीसरी एक बीमारी जो शुरू हो गई, बॉस मैनेजमेंट, कि थाना अध्यक्ष अगर सीओ साहब को हाथ जोड़ के गिफ्ट देकर प्रसन्न करके उनकी खुशामद बरामद करके खुश रखेगा और नौकरी जैसे मन होगा करेगा, जनता से अवैध वसूली कर लेगा और सीओ साहब को खुश रखेगा, और सीओ साहब एसपी साहब को खुश रखेंगे, एसपी साहब ऊपर वालों को खुश रखेंगे, तो ऐसे में जनता के साथ पूरा न्याय कभी नहीं हो सकता। इसका एक तरीका है कि ये बॉस मैनेजमेंट ना हो सके, इसके लिए खाली ऊपर वाले ना करेक्टर रोल लिखें जिसके आधार पर प्रमोशन होता है और तरक्की होती है, चलता है, नौकरी चलती है, उसके बजाय नीचे वाले ऊपर वालों का भी मूल्यांकन करें। और जो केंद्र सरकार ने शुरू किया है 360 डिग्री इवैल्यूएशन, यानी कि पब्लिक से भी पूछा जाए कि ये कैसा हमारा कर्मचारी है, और ऊपर वाले भी पूछें, दाहिने नीचे वाले भी बताएं, इस तरह करके जब हम प्रमोशन पॉलिसी बनाएंगे, करेक्टर रोल लिखने की पॉलिसी बनाएंगे, तब ये जनता का भय दूर होगा।